गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज अक्टूबर का 15 तारीख है और अक्टूबर महीना जो है रोज़ प्रूनिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि सुबह और रात को जो वेदर डिफरेंस है वो 10 डिग्री के करीब होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। क्योंकि यहाँ अभी क्या होता है, मौसम में जो सुबह होता है वो बहुत गर्मी होता है सुबह में, और जैसे जैसे रात होता है वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल करता है। अब सुबह का टेम्परेचर और रात को टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो 10 डिग्री से ज़्यादा होता है, और सब 10 डिग्री से अगर वेदर डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री से ज़्यादा है तो वही टाइम होता है सबसे बेस्ट रोज़ प्रूनिंग करने के लिए, क्योंकि रोज़ प्लांट को उठने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर भी चाहिए। तो सुबह उसको टेम्परेचर मिल जाता है और शाम को थोड़ा ठंडी आता है, तो वो उसमें क्या होता है, रोज़ प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये तो था सबसे बेस्ट टाइम जो रोज़ प्लांट प्रूनिंग करने के लिए होता है, वो अक्टूबर महीने होता है। तो प्रूनिंग करने से पहले जो हम लोगों को चीज़ करना पड़ेगा इसको, क्योंकि प्रूनिंग से पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें दिखाया था सारा जो मेरा रोज़ प्लांट था वो डोरमेंसी में था। अब डोरमेंसी से उठाने के लिए मुझे इन लोगों को फीडिंग कराना पड़ा, तो मैंने क्या का फीडिंग डाला था, सबसे पहले जो मैंने डाला था कैल्शियम नाइट्रेट, ये 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके वो रूट जोन में मैंने डाला था। सबसे पहला फीडिंग में ना ये था, उसका बाद मैग्नीशियम सल्फेट और 20-20-20 कोई भी बैलेंस 20 मतलब NPK आप लोग ले सकते हैं। 1 ग्राम आपका मैग्नीशियम सल्फेट और 1 ग्राम आपका 20-20-20 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके वो भी रूट जोन में देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको देना पड़ेगा मास्टर केक फिटिंग, मास्टर केक और DAP दोनों अलग अलग भिगो के रख दीजिए रात को, और उसको आप मिला के एक बार फीडिंग करा दीजिए। फिर आप लोग वही खाना जो है एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग जब प्रूनिंग करने से पहले एक दिन आपका पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा आप लोगों को, और एक दिन आपको फंगिसाइड प्रूनिंग के पहले दिन और एक दिन आगे आपको फंगिसाइड स्प्रे करके रख देना पड़ेगा। और प्रूनिंग करने के बाद जो आप लोगों को करना पड़ेगा, जो M45 है या साफ है वो जो हम लोग कट किया है उस जोन पे आपको लगाना पड़ेगा, ये मैंने कटिंग में लगा है। और आप कोशिश करेंगे जो सारे जो मतलब जो कटिंग है वो 45 डिग्री एंगल से होना चाहिए। हर समय ज़रूरी नहीं है जो 45 डिग्री एंगल से ही हो, कभी कभी क्या होता है एक दो छूट जाता है, तो आप कोशिश कीजिए जो 45 डिग्री एंगल से आप कट कीजिए, और उसमें आप ज़रूर साफ या M45 लगाइए। मैंने M45 यूज़ किया है, M45 का जो फ़ायदा है वो अच्छा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ M45 आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसका बाद जो मैंने अभी करता हूँ, तो उसका बाद मैं मैग्नीशियम सल्फेट जो है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के आप लोगों को स्प्रे करना पड़ेगा आफ्टर प्रूनिंग हर रोज़, और इसको आप लोगों को वही मैग्नीशियम सल्फेट और 20-20-20 बीच बीच में रूट जोन में डालते रहेंगे, तो ये अच्छा उठेगा, इसमें अच्छा सूट निकलेगा। आप जितना भी स्प्रे करेंगे, देखिए मैंने अभी स्प्रे किया है कुछ देर पहले, और ये जितना भी मॉइस्ट रहेगा ये डेनिम, तो इसमें ज़्यादा सूट निकलेगा। तो यही तो था अभी के लिए, तो इसका बाद मैं वीडियो में दिखाऊंगा कैसे कैसे फिर मैं इसमें खाना डालता हूँ और कैसे कैसे इस पे स्प्रे करता हूँ, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। थैंक
थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।